हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान और झटपट से बनने वाले एकदम नए नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसे हम गेहूं के आटे से बना के तैयार करेंगे। यदि आप समोसा पकौड़ी खाने के शौकीन हैं, तो ये रेसिपी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। और इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सभी चीजें आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाएगी। जब भी कुछ भी समझ में ना आए कि क्या बनाया जाए, तो आप इस रेसिपी को फटाफट बना सकते हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी लोग इसे मजे से खाते और खाने में बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी होती है और बनाने में बहुत ही ज्यादा आसान है। और इसे बनाने के लिए ज्यादा तेल की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए बिना किसी देरी के फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले, और आप हमारी आसान रेसिपी का फायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए, मैंने एक बड़े साइज का बर्तन ले लिया है, और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। हम इसमें 1 कप पानी डालेंगे, गिलास से मेजरमेंट करेंगे तो 1 गिलास लग जाएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीजें डालेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो बहुत ही किचन के सिंपल चीजों से इसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, तो थोड़ी सी हल्दी जाएगी, थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च जाएगा, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा, थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हमने 1 इंच के अदरक को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे हरा धनिया की जगह पे, पहले हम हरा धनिया नहीं डालेंगे, पहले हम इसमें डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज की प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया, ये डाल देंगे। फिर इसके बाद मैंने एक टमाटर लिया है, जो लाल टमाटर है, ना इसके बीज निकाले हैं ना ही जूस निकाले हैं, इसको मैं इस तरीके से डाल दूंगी कट करके मोटा मोटा। फिर इसके बाद हम इसमें 2 ग्रीन चिली डालेंगे, अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं। डियर, अब इसमें जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, तो नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना खाते उतना डाल सकते हैं। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा साबुत, थोड़ा सा सौंफ डालेंगे, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला, जो मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके साथ शेयर करेंगे। और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे हींग, हींग जरूर डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। फिर इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, आप पुदीना भी डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं अगर आपके पास धनिया ना हो तो। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे नींबू, तो फ्रेंड मैंने इसमें 4 मसाला डाला है, लेकिन नींबू डालने से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, तो थोड़ा सा नींबू हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 चम्मच तक हमने रस को डाल दिया है नींबू के, और इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम कुछ वेजिटेबल डालेंगे, थोड़ी सी गाजर को मैंने ग्रेट करके लिया है, अगर आपके पास गाजर ना हो तो आप इसकी जगह पे कोई और वेजिटेबल भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को ग्रेट करके लिया, इसको अच्छे से 3 से 4 पानी वॉश कर दिया है, ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। स्टार्च निकालना जरूरी है, इससे लच्छे बिल्कुल खिले खिले से रहते हैं और टूटते नहीं, और दूसरी बार इसका सारा स्टार्च निकल जाएगा तो नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो फ्रेंड बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है, जब वो नाश्ता गर्म गर्म खाते तब तो वो कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। उसका कारण ये है कि आप आलू के स्टार्च को नहीं निकालते हैं। तो फ्रेंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप आलू की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा, ताकि हम आपको थैंक्स बोल पाए। अब इसमें हम डालेंगे क्या ये आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे आटा, ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। वेट नहीं, ये हमारा मुश्किल से 50 ग्राम है, नाप में 1 कप है, आप कटोरी से मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपको मेजरमेंट का खास ख्याल रखना है। आटे को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड 1 बड़ी गिलास पानी में हमारा 1 कटोरी आटा जाएगा, तो सिंपल सा मेजरमेंट है। अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करके बनाएंगे तो रेसिपी कमाल की बनेगी। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूजी, जिसको रॉय बोलते हैं, सवेनिला बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 1 छोटा कप सूजी लिया है, यहाँ पे मैं बारीक वाली सूजी ले रही हूँ, अगर आप मोटी वाली ले रहे हैं तो उसको मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा और वो बारीक हो जाएगी। तो यहाँ पे सूजी डालने से हमारी रेसिपी बहुत ही ज्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी, और दूसरी बात बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजों को डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है,
और इस मिश्रण को हमें कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देना है ताकि आटा और सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल जाए और जो हमने इसके अंदर स्पाइस डाले हैं वो आपस में मिल जाए। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं, जब तक ये फूल रहा है तब तक दूसरा काम करेंगे। गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। पैन को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे, जैसे ही हमारा पैन गर्म हो जाएगा इसमें हम एक छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डालेंगे एक चुटकी हींग, बस इसको हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जैसे ही चटक जाएगा इसमें हम छोटा चम्मच डालेंगे जीरा, अगर बड़ा चम्मच है तो आधा चम्मच डालना, आधा चम्मच डालेंगे सौंफ, दोनों को हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएगा तब इसमें हम एक चम्मच डालेंगे धुली हुई उड़द की दाल, जिसको मैंने भिगो कर नहीं लिया है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि दाल को कैसे यूज़ करना है, तो दाल को आप कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए, भिगोने की ज़रूरत नहीं है। अब दाल को हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। अगर आपके पास धुली हुई उड़द की दाल ना हो तो आप इसकी जगह पे चने की दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर मूंगफली भी ले सकते हैं कच्ची। तो यहाँ पे देखिए दाल हमारी अच्छे से भुन गई है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब इसके बाद हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे, जिसको हम इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिए हैं। अगर आपका बड़ा है तो आप सिर्फ आधा लेना। प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक पका लेंगे, यहाँ पे प्याज को हमें काला या ब्राउन नहीं करना है और ना ही लाल करना है। जैसे ही प्याज का कच्चापन निकल जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डालेंगे, जिसको अच्छे से वॉश करके छिलका निकाल लिया है। 1 साबुत खड़ी लाल मिर्च, जिसको इस तरीके से 2 टुकड़ों में कट कर लिया है। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 कलियाँ लहसुन की, तो मेरी छोटी छोटी है तो मैंने 3 डाला है, अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 2 डालना। अगर आप लहसुन अदरक नहीं खाते तो हटा सकते हैं, इसके बिना भी इस रेसिपी को बनाया जा सकता है डियर। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं, अदरक और लहसुन का भी कच्चापन निकल चुका है। तो अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो यहाँ पे देखिए मैंने लाल टमाटर का इस्तेमाल किया, एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, जिसके ना मैंने बीज निकाले ना ही जूस निकाला है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर डालेंगे चाट मसाला चुटकी भर, और चुटकी भर हम इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर भी डाल देंगे, जिसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे टमाटर को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेना है, ताकि टमाटर में स्मोकी सा फ्लेवर आ जाए और इस रेसिपी में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा स्मोकी सा। तो यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि टमाटर को हमें गलाना नहीं है, तो इसीलिए हम चीज़ों को कवर नहीं करेंगे। यहाँ पे प्याज और टमाटर को हम ऐसे ही खुले ही 10 से 15 सेकंड हाई फ्लेम पे पकाएंगे। अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्या, आइए आपको बता देते हैं, इमली। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1 चम्मच इमली को इस तरीके से डाल दिया है इसके अंदर। तो अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं, लेकिन इमली डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो हो सके तो इमली का जुगाड़ कर लीजिएगा कहीं से, अगर ना मिले तो ही आप इसमें नींबू का रस डालिएगा। तो यहाँ पे अब हम इसमें थोड़ा सा नमक और डाल देंगे क्योंकि कम लग रहा है, और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए इतना ठंडा हो गया कि हम इसे आराम से छुपा लें, हल्का सा गुनगुना होगा तो चलेगा। अब हम ले लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, ना बड़ा वाला ना मीडियम वाला, सबसे छोटा वाला लेना है और उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हमने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है, आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, 1 से 2 चम्मच, जिससे क्या होगा कि इससे हमें पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है कि ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना है, और इसे हम बिल्कुल अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए पेस्ट बना के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस जाता है, यहाँ पे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब आप चाहें तो इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का, जिससे क्या होगा इसका लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैंने ट्रांसफर कर लिया है, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी डाल देंगे ताकि जो जार में लगा हुआ है वो भी निकल जाए, बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। और अब हम क्या करेंगे, तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, तो देखिए जीरा डाला है, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे राई। अब इसको हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे, काला बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जैसे ये चटक जाएगी हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे, हींग को भी 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे और इस तरीके से ऐड कर देंगे। ये देखिए तड़का लगने के बाद जो इसका टेस्ट है वो भी बढ़ गया है, लुक भी बढ़ गया है,
और इसकी सेल्फ लाइफ भी बढ़ गई है। 10 से 15 दिन तक ये चटनी बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आप चाहे तो इसे फ्रिज में स्टोर कीजिए, चाहे तो किचन में कहीं भी स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। और इस चटनी के साथ आप कोई भी नाश्ता सर्व करेंगे उसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। तो चलिए चटनी को साइड में रख देते हैं। अगर आपको चटनी की रेसिपी जरा भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। और मेरी मेहनत को एक लाइक देकर आप मुझे प्रोत्साहन दे सकते हैं और नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं। पे देखिए मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड के, जो मैंने व्हाइट वाला लिया है, आप चाहे तो ब्राउन वाला भी ले सकते हैं, मल्टीग्रेन वाला भी ले सकते हैं। अब ब्रेड को हम इस तरीके से ना ही इसके किनारे निकालेंगे, बस इस तरह से मोटा मोटा सा हम तोड़ लेंगे। तो फ्रेंड आप हमारी ये मजेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। और फ्रेंड रेसिपी में कुछ भी पसंद आए तो प्लीज हमारी रेसिपी को एक लाइक जरूर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बहुत ही आसान रेसिपी लेके आते हैं, वो भी किचन की बेसिक चीजों के साथ साथ, जो टेस्टी होने के साथ साथ बाहर की कचौड़ी और पकौड़ी से ज्यादा हेल्दी होती है और बहुत ही ज्यादा कम चीजों से बन जाती है। तो यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में ब्रेड को मैंने इस तरीके से तोड़ लिया है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, आइए आपको बता देते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है आलू, जिसको मैंने बॉइल करके ठंडा कर लिया है, गर्म आलू का इस्तेमाल नहीं करना है। सिर्फ मीडियम साइज के 2 आलू का इस्तेमाल किया, अगर आपके पास बड़ा है तो आप सिर्फ 1 ले लेना। तो यहाँ पे देखिए आलू को हम इस तरीके से फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड अगर आप चाहे तो बिना आलू के भी बना सकते हैं, लेकिन आलू डालने से क्या होगा, रेसिपी बहुत ही ज्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब ब्रेड की रेसिपी गरम गरम खाते हैं तो वो कुरकुरी रहती है, लेकिन ठंडी हो जाती है तो वो सॉफ्ट हो जाती है और चुई चुई सी लगती है। तो यहाँ पे अगर आप इसके अंदर 2 आलू डाल देंगे तो कमाल की रेसिपी बनेगी। तो आलू को बस आपको ठंडा करके डालना है। तो देखिए आलू को मैंने छील लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे नाइफ, और नाइफ से इस तरीके से हम आलू को पहले 4 भाग में डिवाइड कर लेंगे और इस तरह से इसके हम क्यूब्स कट करेंगे। यहाँ पे देखिए हमें बहुत ज्यादा मोटा या बहुत ज्यादा इसको पतला नहीं कट करना है। ये देखिए कट गया है। और अब हम इसको कैसे यूज करेंगे चलिए आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार, और उसके अंदर हम डालेंगे आलू को सबसे पहले, और अब इसमें हम कुछ चीजें ऐड करेंगे, क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे 5 दाने काली मिर्च के, जिसे ब्लैक पेपर भी बोलते हैं, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा इससे। 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जीरा, 1/2 टीस्पून ही हम इसमें डालेंगे मोटी वाली सौंफ, दोनों के कॉम्बिनेशन से बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, और जो सौंफ होती है हमारे पेट को ठंडा रखती है। तो यहाँ पे अब हम इसमें 4 कलियां लहसुन की डालेंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो स्किप कर सकते हैं डियर, खाते हैं तो जरूर डालिए। फ्रेंड लहसुन को डालने के बाद अब इसमें हम डालेंगे 2 छोटी छोटी हरी मिर्च को, अगर आपकी बड़ी है तो आप सिर्फ 1 डालना, 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको छिलके के साथ डालेंगे, छिलके में बहुत ही अच्छा सा टेस्ट होता है, तो उसे निकालने की जरूरत नहीं है। अब हम यहाँ पे हम डालेंगे इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे, और इसी के साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे 2 से 3 चम्मच, और इसी के साथ हम इसमें 2 बूंद ऑयल डालेंगे, आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर हमें नमक नहीं डालना है, क्योंकि ये आलू है, अगर आप नमक डाल देंगे तो काला हो जाएगा। तो अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। यहाँ पे हमें ख्याल ये रखना है, इसमें बिल्कुल भी लंप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ तरीके से इसे पीसना है, लेकिन ज्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है, बस 3 से 4 चम्मच पानी डालिए और इस तरीके से पीस लीजिए। अब एक बड़े साइज का बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम इसको ट्रांसफर करेंगे डियर। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पे जो जार में लगा होगा वो भी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा, उसका भी हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें निकाल लेना है, जितना निकल पाए आसानी से, कोई भी जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अब इसको हम साइड में रखेंगे। यहाँ पे जो हमने ब्रेड को रखा था तोड़ के, वो हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने ट्रांसफर कर दिया है। और अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 कप सूजी, जिसको रवा भी बोलते हैं, सेवैया बोलते हैं, अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे मैंने बारीक वाली ली है, अगर आप मोटी वाली लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सूजी डालने से क्या होगा, ये रेसिपी बहुत ही ज्यादा कमाल की बनेगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डाल देना है। अब हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे 1/2 गिलास तक, और अब हम इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से पीस लेंगे।
तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है, पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, अच्छे से पीस गया है। अब यहाँ पे जो हमारा आलू वाला मिश्रण था उसके अंदर ही हम इसको ट्रांसफर कर देंगे। सारा का सारा तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा मैंने ट्रांसफर कर दिया है। अब दोनों चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो बैटर है बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है, बहुत ज्यादा पतला भी नहीं है। इसी तरीके से आपको भी बनाना है, ज्यादा पानी नहीं डालना है। तो यहाँ पे सूजी को पीसते समय मैंने आधा गिलास पानी का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे हम इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे डियर। तो हम इसको कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि ये नेचुरली तरीके से फूल जाए, और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो जब तक ये फूल रहा है हम इसे साइड में रखेंगे और टाइम को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, आगे का काम करेंगे डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी लीजिए। अब इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून तक ऑयल। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें थोड़ा सा डाल देंगे सरसों, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे जीरा, और इन दोनों को हम 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब ये चटक जाएगा तब इसमें हम 2 से 3 चुटकी डालेंगे हींग, जो टेस्ट को लाने के साथ साथ पेट के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। अब यहाँ पे हमें इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से चटका लेना है, काला बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही लाल करना है, बस प्याज का कच्चापन दूर हो जाए और ये हल्की सी लाइट सी पिंक हो जाए, बस इतना ही पकाना है। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी पिंक हो चुकी है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। तो अदरक लहसुन को पेस्ट बना के डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा नाश्ते में। तो यहाँ पे देखिए अच्छे से भून गया है। फिर इसके बाद हमने 1 ग्रीन चिली को इस तरीके से मोटा मोटा कट करके डाल दिया है। अगर आपका बच्चा बहुत ज्यादा छोटा है तो आप ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर। तो यहाँ पे ग्रीन चिली को भी हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से भून लेंगे। फिर यहाँ पे हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, जो मैंने ग्रीन वाली ली है। 1 शिमला मिर्च को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। तो यहाँ पे आप चाहे तो येलो और रेड वाली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन वाली बहुत ही आसानी से हर जगह मिल जाती है, कई जगह पे येलो रेड वाली नहीं मिलती है। तो वैसे तो बच्चे वेजिटेबल खाते नहीं है, उनके बहुत सारे नखरे होते हैं, तो इस तरीके से नाश्ते में उनको छुपा के खिला दीजिए, वो खा लेंगे। यहाँ पे मैंने गाजर को भी ग्रेट करके लिया है, आप चाहे तो छोटे छोटे पीस करके भी ले सकते हैं। यहाँ पे सब्जियों को हमें ओवर कुक नहीं करना है, बस इसको हल्का हल्का सा अच्छे से सॉटे कर लेना है डियर। तो यहाँ पे देखिए सब्जियां हमारी हल्की हल्की सी कुक हो गई है, लेकिन इसका जो क्रंच है वो गया नहीं है। फिर इसके बाद हम इसमें कुछ बेसिक से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसमें डाल देंगे टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, थोड़ी सी, ज्यादा हल्दी नहीं डालनी है, नहीं तो पीलेपन की जगह पे लालपन आ जाता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, अगर आप चाहें तो पीसी वाली भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, अगर नहीं है तो, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। थोड़ा सा चटपटा बनाने के लिए चाट मसाला, और इसके अंदर कोई मसाले हम नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमें मसाले डाल के इसको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगी है, बिल्कुल अच्छे से ये भून गया है। अब हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेंगे और उसके अंदर हम इसको आधा निकाल लेंगे। और आधे को हम इस तरीके से यूज करेंगे और आधे को हम बाद में यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक। तो ये गया हमारा नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, जितना डालना है उतना डाल सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे नमक हमें लास्ट ही में डालना है, क्योंकि अगर हम नमक पहले डाल देंगे तो क्या होगा, सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी तो सारा मसाला इसका खत्म हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमारा मिश्रण था उसको हम एक बार इस तरीके से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद यहाँ पे हम इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। और अब इसको हम गैस के फ्लेम को मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको अच्छे से कुक करेंगे। यहाँ पे हमें इसको हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है और ना ही इसको छोड़ के जाने की गलती करनी है। बस मुश्किल से 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा और ये बिल्कुल अच्छे से कुक होने लगेगा। अगर आप बिगनर हैं
तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है खाना बनाने में। तो इस रेसिपी को बनाते समय आपको ख्याल ये रखना है, जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा भारी लीजिएगा, ताकि आपका मिश्रण बिल्कुल भी जले ना। अगर आपको अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने का शौक है तो आपको 100% एक्सपीरियंस भी होगा, तब आप इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से हल्के बर्तन ही बना पाएंगे। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, एक मिनट के बाद ही इसका जो टेक्सचर है वो पूरा बदल गया है, इस तरह से बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगा है। यहाँ पे हमें इसको इतना पकाना है कि बिल्कुल इसका जो मॉइस्चर है वो बिल्कुल ड्राई ना हो, बस हल्का सा ये जो गीला था बिल्कुल अच्छे से पक जाए और इस तरह से गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आने लगे। तो फ्रेंड, आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिए और फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह से हमारा बिल्कुल अच्छे से ये पक गया है। यहाँ पे हमें इसको सिर्फ 80% ही कुक करना है। तो यहाँ पे हमारा जो 80% मिश्रण है वो पक गया है और अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। इस तरह से जब ये बिल्कुल अच्छे से सिमट जाए और पैन छोड़ने लगे तब आपको इसे बंद कर देना है। अब मैं आपको चेक करने का तरीका बताऊंगी। थोड़ा सा गर्म है मिश्रण को इस तरीके से ले लीजिए और इसके गोले बनाइए। गोले में अगर बिल्कुल भी क्रैक नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्मूथ तरीके से गोला बनना है तो समझ जाइए परफेक्ट है। अगर गोले में क्रैक आ रहा है तो थोड़ा सा और पकाइए। तो चलिए इसको एक प्लेट में ट्रांसफर करके ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, जब तक ये ठंडा होगा दूसरा काम करेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने एक तड़का पैन लिया है और तड़के पैन को हम क्या करेंगे, अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तब इसमें हम 1 टेबलस्पून तक ऑयल डाल देंगे। आप घी और बटर भी डाल सकते हैं। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से गर्म होने देना है। जब तक ऑयल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच सरसों और इसके साथ ही हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। और इसको हम अच्छे से चटकने के बाद ये जो हमने अपना बैटर बना के रखा था इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अगर आप हरा धनिया नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे क्या डाल सकते हैं, कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मेरे पास कड़ी पत्ता नहीं था तो मैंने धनिया ही डाल दिया। अगर आपके पास धनिया और कड़ी पत्ता दोनों ना हो तो आप इस पे थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आज मैं आपको इस नाश्ते को बनाने का 2 तरीका बताऊंगी। दोनों में से आपको कौन सा पसंद आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और कोई भी तरीका पसंद आए तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा डियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक कढ़ाई को रख देंगे। तो पहला नाश्ता हम इस तरह से कढ़ाई में बनाएंगे और अब हम गैस को ऑन कर देंगे। गैस जब हमारी ऑन हो जाएगी तभी हम आगे का काम करेंगे। और जैसे हमारी गैस ऑन हो जाएगी हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और ऑयल डालने के बाद इस तरीके से हम पूरे पैन में फैला देंगे या कढ़ाई में, आप चाहे तो पैन में बना सकते हैं इस रेसिपी को। गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और अब इसमें हम क्या डालेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे देखिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा सरसों डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें डाल देंगे सफेद तिल जिससे हमारे नाश्ते का लुक अच्छा आएगा, थोड़ा सा हरा धनिया। और अब हम अपने बैटर को एक बार फेंट लेंगे अच्छे से इस तरह से और इस तरह से हम बैटर को इसके अंदर डाल देंगे एक कड़छी भर के और दूसरी कड़छी में हम 2 चम्मच लेके वापस से डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से डाल के आपको इसको पकने देना है कम से कम मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए और 2 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। अगर आपको कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए तो आपको इसको कवर नहीं करना है, अगर आपको सॉफ्ट और जल्दी चाहिए तो आप इसको कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए इसीलिए मैं इसको कवर नहीं करूंगी और 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। तो फ्रेंड, हमारे नाश्ते को बनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर वाला जो था बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुका है, नीचे से सिक गया है। अब इसको हम बिल्कुल आराम से पलट देंगे। यहाँ पे देखिए कितना प्यारा सा कलर आया है। यहाँ पे बस आपको ख्याल ये रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रहेगा, और बहुत ज्यादा लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये अंदर से कुक नहीं हो पाएगा अच्छे से, इसीलिए इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो आप इसको कवर भी कर सकते हैं। तो मुझे तो कोई जल्दी नहीं, इसीलिए मुझे कुरकुरा और क्रिस्पी चाहिए इसीलिए मैं इसे दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाऊंगी। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा और दूसरा तरीका जो बताएंगे उसको तो आप बहुत ही कम टाइम में बना पाएंगे। तो दोनों में से आपको जो तरीका पसंद है आप उस तरीके से बनाइएगा और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा पसंद आया डियर।
तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको हम पलट के देख लेते हैं कि दूसरे साइड से इसका क्या हाल है। ये देखिए दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छा सा कलर आ गया है। दोनों ही साइड हमारा नाश्ता बहुत ही बढ़िया तरीके से कुक हो गया है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। देख लीजिए देखने में कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। देखते ही तुरंत खाने का मन कर रहा होगा, तो जरूर बनाइएगा इस रेसिपी को। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दूसरा बनाने के लिए इसको हटा देंगे। यहाँ पे हम ले लेंगे एक पैन और दूसरा तरीका आपको शेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमें पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है। जब पैन गर्म हो जाएगा तब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो अगर आपको बिल्कुल भी ऑयली नहीं खाना है तो आप पहला तरीका अपना सकते हैं, उसमें कम तेल लगा है। अगर आपको थोड़ा कुरकुरा खाना है, क्रिस्पी खाना है और थोड़ा ऑयली आपसे चलता है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा तेल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जब तक तेल गर्म नहीं होगा हमें कुछ भी नहीं करना है। और इस तरीके से हथेली को ऊपर रख के चेक करना है, तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गया है। बनाने से पहले अपने बैटर को एक बार मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हम इस तरह से मिक्स करने के बाद अब हम बनाएंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे डाल देना है आपको, फैलाने वगैरह का कोई भी झंझट नहीं है। बस आपको एक कड़छी बैटर को लेके इस तरह से डाल देना है। तो यहाँ पे आपको एक बार में सिर्फ 2 ही बनाना है, अगर ज्यादा बनाएंगे तो आपस में चिपक जाएगा। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं और 2 मिनट के बाद हम इसे टर्न करेंगे। यहाँ पे आपको ख्याल रखना है कि इसको डालते ही तुरंत पलटने की गलती नहीं करनी है, 2 मिनट पहले कुक होने देना है तभी टर्न करना है। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं। गैस का फ्लेम हाई नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको एक साइड से सिकते हुए। अब इसको हम बिल्कुल आराम से पलट देंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। और यहाँ पे हम इस तरह से इसको पलट देंगे और दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इसको बनने में 4 मिनट का टाइम लगेगा। और आप इसके सामने समोसा कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो यहाँ पे बस आपको ख्याल रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, इसे मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि अंदर तक कुक हो। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकते हुए। चलिए इसको पलट के देख लेते हैं। जब ये कुक हो जाता है तो ऑटोमेटिक छोड़ देता है। शुरुआत में लगेगा आपको ये चिपक रहा है, लेकिन जैसे ही कुक हो जाएगा आपस में दोनों जो चिपके हुए होंगे वो निकल जाएंगे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम साइड में रखेंगे एक्स्ट्रा तेल को निकल जाए इसलिए। ये देखिए अब हमें दोबारा बनाने के लिए तेल को फिर से गर्म कर लेना है और गर्म होने के बाद डालना है। तो यहाँ पे देखिए तेल गर्म हो चुका है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इस तरह से सिंगल भी बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि चिपक रहा है तो सिंगल बना लीजिए डियर, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जो कितना जरा खूबसूरत लग रहा है। जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में जरा क्रिस्पी है। ये देखिए कितना जरा क्रिस्पी है। चलिए आपको करीब से दिखा देते हैं कितना हमारा नाश्ता क्रिस्पी बना है। और इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से हार्ड है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। देखिए कितनी आसानी से कट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल अंदर से कुक हो गया है। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से आप इस तरह से कट करके बच्चों को टिफिन बॉक्स में और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बनाने में जितनी ज़्यादा आसान है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है। देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है और लच्छे देखिए कितने बढ़िया तरीके से खिले खिले से। और इस चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इन्जॉय कर सकते हैं। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बनाया केचप है जो पूरे 6 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होता है। तो जब भी आपका बच्चा सब्जी रोटी खाने से मना कर दे तो इस रेसिपी को बना के उसे दे दीजिए, पूरा टिफिन बॉक्स फिलिंग करके आएगा, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अब चलिए दूसरा वाला भी नाश्ता दिखा देते, वो भी बहुत ही कमाल का बना है। तो ये हमारा दूसरा नाश्ता है, देख लीजिए कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बना है, वेजिटेबल से भरपूर है, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। और यहाँ पे देखिए कितना ज्यादा खस्ता बना है। ये देखिए लच्छे कितने आराम से इसके अंदर दिख रहे हैं और कितने अच्छे से कुक है। यहाँ पे जब ये एक दूसरे से अलग हो जाता है, यानी फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट जब अलग हो जाता है तो समझ जाइए इसका मतलब है बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है। और इस वाली चटनी के साथ इसे एंजॉय करेंगे तो आपको चटनी की रेसिपी को जरूर बनाना पड़ेगा इस नाश्ते के साथ, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ। अगर आप चटनी नहीं बनाते थे तो आप इसे चाय के साथ केचप के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ इसे एंजॉय करने। आप भी बनाइएगा, खाइएगा, अपनी फैमिली वालों को खिलाइएगा। रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज रेसिपी को एक लाइक जरूर दे दीजिएगा। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर कीजिएगा। चलिए इस रेसिपी को हम साइड में रख देते हैं और दूसरी रेसिपी को भी बना लेते हैं। दोनों ही रेसिपियाँ बहुत ही कमाल की, आप जरूर ट्राई कीजिएगा। आपको जो पसंद आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने रोटी वाला चकला ले लिया, अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे
ऑयल डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको हम इस तरह से चकले को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। अब ये जो हमारा मिश्रण था इसको हम रख लेंगे और इस तरह से हम इसको 10 से 15 सेकंड अच्छे से मस लेंगे और मसल मसल के बिल्कुल एकदम गुंदे हुए आटे के फॉर्म में ले आएंगे। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे तो क्या होगा कि नाश्ता हमारा बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं और बहुत ही प्यारा सा हम इसको शेप देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से कर लिया है। अब यहाँ पे आप बेलन भी ले सकते हैं या हाथ से भी कर सकते हैं। तो बेलन पे भी थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिए ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना बेलन पे। और यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नीचे और ऑयल लगा लेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर आलू डाला है डियर। तो यहाँ पे ऑयल लगा लेंगे तो बिल्कुल भी ये निकलेगा नहीं साइडों से। ये देखिए एकदम चिपक जाएगा और जब बिल्कुल आसानी से छूट जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया। अब आप इसको चाहे तो किसी भी शेप में बना सकते हैं। मैं कैसे बनाऊंगी वो मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें पहले इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे और फिर इसके बाद आप इसको चाहे तो गोल भी बना सकते हैं, फोर एंगल भी बना सकते हैं। तो मैं इसको कैसे बना रही हूँ वो मैं आपको बताऊंगी। तो देखिए मिश्रण हमारा कितना बढ़िया तरीके से सॉफ्ट है, बिल्कुल भी कट करने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं इसको इस तरह से कट कर लूंगी पहले और फिर इसको इस तरह से फोर भाग में डिवाइड कर लूंगी और अब इसको हम निकाल लेंगे। निकालने के बाद आपको हल्का हल्का सा इस तरह से इसको कर लेना है ताकि ये परफेक्ट शेप में आ जाए। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है, सुंदर सा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको बहुत ज़रा मोटा या बहुत ज़रा पतला नहीं रखा है, इस तरीके से इसकी थिकनेस रखी है। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं और जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये रेसिपी को आप जरूर बनाइएगा, सभी को बहुत मजा आने वाला है खा के। तो देखिए जब आप ऑयल लगा लेते हैं तो इसको निकलने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, अच्छे से निकल जाता है। और इस तरह से हल्का हल्का सा साइडों से कर देंगे तो ये परफेक्ट शेप का हो जाएगा और जो इसके किनारे हैं निकले हुए वो भी बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। तो ये नाश्ता हेल्दी होने के साथ साथ बाहर के समोसा और कचौड़ी से ज़्यादा टेस्टी है और दूसरी बात ये मैदे से नहीं बना है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से जो मिश्रण बचा हुआ था इसका हम दूसरा शेप बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें इस तरह से ले लेना है, गोल कर लेना है, फिर इसको हम इस तरह से सिलेंडर का शेप दे देंगे और फिर इस तरह से हम इसको हल्का हल्का सा चकले पे रख के रोल कर लेंगे, है ना कमाल का। तो कोई भी शेप आपको पसंद हो आप उसी शेप का बना सकते हैं इसको डियर। तो फ्रेंड कैसी लग रही है आपको हमारी ये मजेदार सी रेसिपी, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। ये देखिए इस तरह से हमने इसको बना लिया है। तो चलिए ये वाला भी बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह से चकले पे हल्का सा कर देंगे तो जिससे क्या होगा बिल्कुल अच्छे से चिकना हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ डियर। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन रख दिया, अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। आप इसे डीप फ्राई कर सकते हैं लेकिन मैं इसे स्लो फ्राई कर रही हूँ। तो तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पे जो बर्तन लीजिएगा थोड़ा सा फैला हुआ भारी लीजिएगा, उसके दो फायदे होंगे। एक बार में आप पूरा नाश्ता एक बार में बना पाएंगे, बहुत ढेर सारा नाश्ता एक बार में बन जाता है। और पैन एक बार गर्म हो जाएगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा तो आपकी गैस भी बच जाएगी, है ना कमाल की टिप मैंने आपको दी है। तो मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, कम टाइम में नाश्ता भी बन जाएगा, गैस भी बच जाएगी और काफी ज्यादा टेस्टी बनेगा। तो देखिए इस तरह से हमने हथेली को रखा है, गर्माहट बिल्कुल अच्छे से लग रही है। तो अपने तैयार नाश्ते को बिल्कुल प्रेम पूर्वक प्यार से बहुत ही आराम से डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको बस ये ख्याल रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। अगर आप इसे हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ऊपर से तो कलर पकड़ लेगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा, और लो फ्लेम में पकाएंगे तो ये फट जाएगा। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे पकाइए, दो मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे और आप इसके सामने डियर समोसा क्या कचौड़ी भूल जाएंगे। आप एक बार इस रेसिपी को बनाइए और मजे से खाइए, आप मुझे याद करेंगे कि आपने क्या रेसिपी देखी है और कितनी मजेदार रेसिपी देखी है। तो रेसिपी में खाने के बाद अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड दो मिनट हो चुका है इसको पकते हुए। अब यहाँ पे हम इस तरह से चिमटे से इसको पलट देंगे, देख सकते हैं कितना प्यारा सा कलर आ चुका है एक साइड से। और यहाँ पे हमें चिमटे से इसको पलट देना है
और दूसरे साइड भी इसे 2 मिनट पकाना है। टोटल इसको बनने में मैक्सिमम 4 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि जो हमारा मिश्रण है उसको हमने पहले से पका के 80% रखा है। तो ये रेसिपी बहुत ही कमाल की, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है इसको पकते हुए, दोनों ही साइड से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गए हैं। अब हमने गैस के फ्लेम को हाई कर दिया और हाई फ्लेम पे इस तरह से अलटते पलटते हुए इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। देख सकते हैं दोनों ही साइड से बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, बिल्कुल अच्छे से गोल्डन हो चुके हैं। अब इसको हम यहाँ पे इस तरह से छन्ने में निकाल लेंगे, ताकि जरा भूख जो तेल है वो बिल्कुल भी हमारे नाश्ते में ना रहे, सारा का सारा तेल निकल जाए। ये देखिए लग रही ना बहुत ही कमाल की रेसिपी, बिल्कुल टेम्पटिंग रेसिपी है, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो दोबारा बनाने के लिए हमें तेल को फिर से गर्म कर लेना है, और जो हमारा ये वाला था ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर। बस एक बात का ख्याल रखना है कि इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है, और एक बार में उतना डालिए जितना कि पलटने में दिक्कत ना हो। तो चलिए बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना जरा खूबसूरत लग रहा है, जितना जरा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में से ज्यादा क्रिस्पी है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं है, इस तरीके से देखिए हथेली पे प्रेस कर रहे तो बिल्कुल भी ऑयल नजर नहीं आ रहा है, और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है रुई जैसा। यहाँ पे ये वाली चटनी के साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है, बहुत ही कमाल की चटनी के साथ ये रेसिपी लगती है। आप एक बार इस नाश्ते को चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे तो ये चटनी जरूर बनाएंगे। अगर आप इसे चटनी के साथ नहीं खाना चाहते तो आप इसे केचप के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, ये मेरा होममेड केचप है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए दूसरा वाला भी दिखा देते, ये भी बहुत ही कमाल का बना है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है रुई जैसा, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा। तो आपको कौन सी रेसिपी ज्यादा पसंद आई जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को दिल खोल के शेयर करना। जब भी आपके यहाँ पार्टी हो या एकदम से मेहमान आ जाए, आपको कुछ भी समझ में ना आए, तो 4 ब्रेड निकालिए और फटाफट ये इस रेसिपी को बना डालिए। बहुत ही कमाल की रेसिपी है और किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। ऐसी कोई भी चीज नहीं डाली है जो आपको लेने के लिए मार्केट जाना पड़ेगा, आप इसमें चीज को भी डाल सकते हैं। मुझे चीज पसंद नहीं है तो इसीलिए मैंने नहीं डाला है। तो चलिए मुझसे तो वेट नहीं हो रहा, मैं जा रही हूं एंजॉय करने। आप भी बनाइए, खाइए, अपनी फैमिली वालों को खिलाइए, और रेसिपी कैसी लगी जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।